भाई मटन आ चुका है और अब बनेगी मस्त। देखिए पूरी दाल हो गई है। गया है, अब हमें बनाना है अबान के लिए कैप। दूसरी तरफ भी ऐसी ही सिलाई इतनी नाप की कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज उंगली का ये हाल है इस पे वो आ गया है, इस पे मतलब जिल्द आ गई है, तो अभी तो ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा मुट्ठी नहीं बंद हो रही है क्योंकि ये अभी सूख रहा है। और आज हो रही है बारिश बहुत ही जबरदस्त, सुबह से अबान को जब से छोड़ने गए तब से बारिश हो ही रही। तो देखते हैं कब रुकती है, हो सकता है कि अभी अबान को भी कार से ले जाना पड़े। ये भी एक मुसीबत है, जब बारिश होती है तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि उनके स्कूल में कार थोड़ा सा ले जाना मुश्किल होता है क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो अभी आज जब बारिश का मौसम आया तो मैंने कहा आज मशकलियां बनेगी क्योंकि बारिश में ही उसका मजा है। तो अभी आपको दिखाते हैं जो बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो भाई मटन आ चुका है और अब बनेगी मस्कलिया। और इधर हम लोग करते रहे बात कि आज ये बने आज वो बने और इधर हो गया दूध खलास दूध उबल गया, चीचा लेकर मच गई। बात करते करते क्या होता है ना कि दिमाग बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये हादसा हो ही गया, आज दूध गिर गया। अब कर रही बेचारी सफाई और बाहर का मौसम बड़ा खुशगवार हो रहा है। तो दाल मेरी हो चुकी है, दाल को हमने अलग बनाया है कुकर में और मटन अलग बनाया है। बस मटन भी हम खोलने वाले हैं, देखेंगे कि गल गया कि नहीं अच्छे से। तो दाल को अच्छे से, ये देखिए पूरी दाल हो गई है, अच्छे से हमने चला ली है मथानी से और दाल अलग कर देंगे। मटन को खोलेंगे, देखेंगे अगर गल गया तो खूब अच्छे से इसे भूनेंगे कम से कम 15 मिनट, उसके बाद फिर दोनों को मिक्स करते हैं। और ये अच्छे से भुन गया, तेल पूरा ऊपर आ गया और इसमें जाएगी अब ये पूरी दाल जो पहले से अलग से हमने बनाई है। देखिए देखा, और इधर रख दिया है थोड़ा सा तेल और ये हमने काटी है प्याज, थोड़ी सी प्याज से ऊपर से लगाना है इसमें तड़का, प्याज का तड़का, और फिर डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ठंडी होने पे एकदम बिल्कुल जमने लगती है तो थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे, थोड़ी पतली रखेंगे ताकि ठंडी होने पे अपने हिसाब से वो। उठिए खाना लगाए, उठिए उठिए, छत का बुरा हाल है। आए मेरे अल्लाह, ये सारी लकड़ियां इन्होंने बाहर ही रख दी, देखा सब खराब हो गई, पूरी लकड़ी खराब हो गई, ये मायका भी खराब हो गई। इसमें से नहीं काटेंगे आज, हम इसमें से काटने वाले हैं धनिया। सोलिए बहुत बढ़िया, आप ही की तो मस्ती है, मौज माशाल्लाह। ये पकड़िए हम धनिया काट लें। वाह यार,
यार क्या बनाया तुमने। और आज हम राइट हैंड से खाना खा रहे हैं भैया, आज थोड़ा सही लग रहा है हमको, चावल नहीं खा पाएंगे अलग ही। बहुत टेस्टी यार, मजा आ गया सच। और दोपहर का खाना हो गया है, अब हमें बनाना है अबान के लिए कैप। मार्केट गए थे, बहुत सी शॉप पे हमने ढूंढा पर मरून कलर की कॉटन में कैप नहीं मिल पाई, तो हमने सोचा एक टी शर्ट इनकी रखी हुई थी तो उसी का कैप बना देते हैं हम। तो देखिए आप, तो इस टी शर्ट को आधा कर लिया है हमने और इसके बनाएंगे हम दो कैप। एक पहले बना के ट्राई कर लेंगे कि कैसा बनता है, फिर हम दूसरा भी वैसे ही बना डालेंगे। और देखिए दो हिस्से हमने इसके कर लिए हैं, एक पहले बनाते हैं उसके बाद फिर दूसरा ट्राई करते हैं। तो पूरा सिलाई हो गई इसमें, अच्छे से सिल लिया हमने। इधर की तरफ है, ऊपर भी इसमें देंगे हम प्लेटें, और प्लेटें भी हमें बहुत अंदाजे से रखनी पड़ेगी, गोल हो जाए सर के ऊपर। तो बीच का इतना हिस्सा पकड़ के हमें सिलाई करना पड़ेगा। ये हो गई सिलाई, हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई इतनी ही नाप की कर लेंगे। अभी से गोलाई दोनों तरफ से, फिर देखते हैं ये कैसा लगता है। आप देखिए कैप सिल के तैयार हो गई है, और इसकी हम थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम पलट के देखते हैं इसे। बहुत ही प्यारी सी कैप बनके तैयार हो गई है अबान की माशाल्लाह से। आप भी बताइएगा कमेंट करके कि कैसी बनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। करते हैं कल इंशाल्लाह ताला, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।